अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे कौन था कातिल? सर्वोच्च न्यायालय को कातिल कह रहे थे ना, आप ही की सरकार थी। तो छोटे अपराध पे इतना हल्ला और देश को टुकड़ा करने की बात आ जाए तो साहब उस पर कुछ नहीं। अरे मेडल लौटा दिए जो लोग संसद की सुरक्षा में लगे थे सोनिया गांधी जी को, और उसके बाद चेहरे पे शिकन नहीं आई। और वह लोग इन्होंने कहा याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग शब्द प्रयोग किया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको मृत्युदंड दिया उसके लिए शब्द प्रयोग किया जुडिशियल किलिंग, और उसके लिए इनके नेता जाके न्यायालय में खड़े हुए। तो न्यायालय का कितना सम्मान है ये देश की जनता को अच्छी तरह पता है, वो आपके चरित्र में सांगोपांग दिखाई पड़ता है। गौरवल जी, सुधांशु जी, पहले मैं आपके एक शब्द से मेरे को बेहद आहत हुआ, मुझे नहीं लगता कि आपने जानबूझकर बोला होगा। आपने कहा छोटा अपराध, अपराध छोटे और बड़े भी करने लग गए सुधांशु जी। मैं तो आपको अच्छा व्यक्ति मानता था, आप 8 लोगों के की नृशंस हत्या हो गई उनको आप छोटा अपराध बोलते हो। छोटा और बड़ा क्या होता है सुधांशु जी? अपराध छोटा और बड़ा क्या होता है? या तो आप अभी टेलीविजन पे उस शब्द के लिए माफी मांगिए, वरना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। छोटा और बड़ा क्या होता है कि छोटा अपराध था, बड़ा अपराध अलग होता मैं जवाब दूं। और फिर आपने सुधांशु जी रुकिए, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। आपने मुझसे कहा, चलिए मैं रुकने के बाद जवाब दे देता हूं। आपने मुझसे कहा, अरे आपने मुझसे कहा ना कि आप माफी मांगिए, तो मुझे बोलने का मौका दीजिए, नहीं तो मैं इंतजार करता हूं अपनी बारी। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपके शब्दों पे मुझे भी ऑब्जेक्शन है। छोटा अपराध क्या होता है? 8 लोगों की मौत को छोटा बता रही बात। फिर दूसरा सुधांशु जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को केंद्र सरकार और दिल्ली के जो बॉर्डर की सारी राज्य सरकारों को बोला कि जाकर आंदोलनकारी किसानों से बात करिए। 8 महीने 15 दिन हो गए आपने बातचीत को खत्म किए हुए। क्या प्रयास किया? वो आपको चिट्ठियां लिख रहे हैं, आप उनसे बातचीत करना नहीं चाहते, और यहाँ टीवी पर आके छोटे और बड़े अपराध का आत्मज्ञान दे रहे हो हमको, देश को। 8 लोगों की हत्या हो गई तो बोले ये तो छोटा अपराध है। मैं इस पे घोर आपत्ति दर्ज करता हूँ सुधांशु जी, और अगर आपने गलती से बोला है तो इस शो में जरूर माफी मांगिएगा। फिर प्रोफेसर रागी जो उन्होंने मुझे कहा, अरे साहब हमने FIR तो दर्ज कर ली ना। अरे रागी जी, FIR दर्ज इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जब लोग प्रियंका गांधी सड़क पे निकल गई तो आपको बाध्य होके FIR दर्ज करनी पड़ी। और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा रागी जी, आपको जान के आश्चर्य होगा क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक विवेकशील व्यक्ति है। यूपी सरकार ने कहा गोली के खोले तो बरामद हुए पर लगता है गोली निशाने पर नहीं लगी। अरे ये आपके वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट में। सुधांशु जी जवाब देंगे, ब्रेक का टाइम हो जाएगा। गौरव जी आपको फिर जवाब नहीं मिलेगा। गौरव जी, जो उन्होंने छोटा अपराध बड़ा अपराध पर कहा है, सुधांशु जी उसका जवाब दीजिए जल्दी से। हाँ, और मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। मैंने छोटा अपराध इसलिए कहा कि गौरव जी छोटा और बड़ा अपराध होता है। 5,000 सिखों की सरेआम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद प्रधानमंत्री कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, छोटा अपराध है, क्योंकि इसमें कोई चर्चा नहीं होती। अखिलेश जी की पार्टी में उत्तर प्रदेश के 5 न्यायालयों में धमाके होते हैं आतंकवादियों द्वारा, और उनके मारे गए लोगों के ऊपर कोई दर्द नहीं है, केस विड्रॉ कर लिए जाते हैं। यह छोटा अपराध है और यह बड़ा है, और बड़े में भी छोटे में भी आप आधा कर रहे हैं। एक किसी प्रवक्ता को बताइए जिसने कहा हो कि लाठी से मारे गए लोगों के ऊपर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो, जबकि वो दिख रहा है कि सरासर हत्या है, लाठी मार मार कर जमीन पर गिरे व्यक्ति को मारा गया है।